हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC MTS का फॉर्म आप लोग ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, इस पूरी वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सारा डिटेल में समझ में आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन पहले आपको करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपसे यहां पर पूछ रहा है बेसिक डिटेल। बेसिक डिटेल में आपको यहां पर आधार कार्ड नंबर अगर आपके पास है तो पूछ रहा है फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन में, डू यू हैव आधार कार्ड। अगर आपके पास में है तो यहाँ पर आपको यस करना है और यहाँ पर आधार कार्ड नंबर आपको फिल करना है। आधार कार्ड नंबर फिल करने के बाद में नेक्स्ट आपसे पूछेगा वेरीफाई आधार नंबर, फिर आपको रिपीट करना है, उसी आधार नंबर को फिर से यहाँ पर डालना है। ठीक है, आगे चलेंगे यहाँ पर। और ये पूछ रहा है टाइप ऑफ ID। देखिए, अगर आपने यहाँ पर यस कर दिया है तो यस करने के बाद आपको आधार नंबर डालना है और यहाँ पर टाइप ऑफ ID नहीं चूज़ करनी है कोई भी। अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन टाइप ऑफ ID आपसे पूछेगा। यहाँ पर आपके पास कई सारे ऑप्शन है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, स्कूल ID है, ठीक है, वोटर ID है, कई सारी कॉलेज ID वगैरह है, आप जो इसमें चाहें वो चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है, मैक्सिमम कैंडिडेट के पास आधार कार्ड अवेलेबल होगा, आधार कार्ड नंबर डालें और वेरीफाई करें अपना आधार नंबर। ठीक है, आगे आते हैं यहाँ पर। ये देखिए, इस तरह से जो आपको फिल नहीं करना है वो इस तरह से मार्क बन के आ जाएगा, उसमें आपको फिल नहीं करना है। ठीक है, और ये यहाँ पर ये स्टार बना हुआ है, नेम के ऊपर स्टार बना है, इस टाइप के मार्क जो भी आपको दिखें वो आपको फिल करने हैं, छोड़ने नहीं है। नेम आपको यहाँ पर फिलअप करना है, नेम यहाँ पर फिलअप करेंगे आप अपना। नेम फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ ध्यान देना है कि वेरीफाई नेम अपना करना है, वेरीफाई नेम करेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है हैव यू एवर चेंज नेम, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज आपको क्या करना है, नो रहने देना है, कुछ नहीं करना है, न्यू नेम आपको कुछ नहीं डालना है, फादर नेम अपना चूज़ करना है। फादर नेम चूज़ करने के बाद में वेरीफाई फादर नेम, नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर मदर्स नेम के लिए बोल रहा है, तो मदर्स नेम आपको यहाँ पर फिलअप करना है, फिर वेरीफाई मदर नेम करेंगे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिलअप करनी है, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद में आपको क्या करना होगा, वेरीफाई करना है, फिर डेट ऑफ बर्थ फिर से आप यहाँ फिलअप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपसे यहाँ पर बोल रहा है क्लास 10th एग्जामिनेशन, क्लास जो मैट्रिकुलेशन आपका है, एजुकेशन बोर्ड आपका कौन सा है, जो बोर्ड है वो आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है। ठीक है, जो भी बोर्ड है आपका वो आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है, जो भी बोर्ड है आपका, कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं, नीचे बोल रहा है कि वेरीफाई करिए अपना एजुकेशन बोर्ड, जो भी आपका है वो आप यहाँ से वेरीफाई अपना कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, रोल नंबर आपको डालना होगा, जो भी आपका हाई स्कूल का था। ठीक है, रोल नंबर डालने के बाद में नीचे आएंगे, वेरीफाई करना है अपना रोल नंबर, फिर पासिंग ईयर आपको डालना है, जो भी आपका पासिंग ईयर था हाई स्कूल का, पासिंग ईयर आपको वेरीफाई करना है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पर जेंडर अपना चूज़ करना है, जेंडर चूज़ करेंगे, वेरीफाई जेंडर करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है लेवल ऑफ लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो अपनी जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ से चूज़ कर लेनी, ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा आपने कर रखा है या 10+2 है आपका। ठीक है, फिर आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर प्रेस करना है, मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालने के बाद में वेरीफाई अपना मोबाइल नंबर करना है, फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है ईमेल आईडी का, ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालनी है, ईमेल आईडी के बाद में वेरीफाई अपनी ईमेल करनी है, फिर यहाँ पर आपको स्टेट यहाँ पर आपको यहाँ पर चूज़ करना है, जो भी आपका है यूपी से है तो यूपी आप यहाँ पर करेंगे, ये नीचे यूपी से हो रहा है। ठीक है, फिर आपको सेव करना है, सेव बटन पे आप क्लिक करेंगे, सेव कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है वो आपको मैं अभी आगे बता रहा हूँ। ठीक है, इसको पहले फिल करिए। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में, रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप कर लेते हैं, आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आपका यूज़र नेम आ जाएगा और यूज़र नेम के बाद में आपका पासवर्ड, यूज़र नेम यहाँ फिलअप करना है आपको, और यहाँ पर आपको पासवर्ड फिलअप करना है, यहाँ पर आपको कैप्चा डालना है। ठीक है, जो आपको कैप्चा यहाँ पर दिख रहा है, देन ये सब फिलअप करने के बाद में आप फिलअप कर लेते हैं, ये यहाँ से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं आपको अपना फिलअप कैसे करना है फॉर्म। पहले तो लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते हैं, ये आप देख रहे हैं इस तरह का आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल पोस्ट है, स्टाफ एग्जामिनेशन 2019 के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट, सारी डिटेल यहाँ दी गई है। नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अप्लाई आपको यहाँ से करना है। प्रिंट के लिए ऑप्शन है, डाउनलोड जो आप ऑफलाइन चालान है, ऑफलाइन पेमेंट के लिए सुविधा है, तो यहाँ से आप अपना चालान डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट का स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए तो आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पर
अप्लाई पे जाएंगे। अप्लाई जैसे ही आप करते हैं आपका पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है, अगर इससे पहले आपने फॉर्म फिलअप किया है तो, ठीक है। ये सारी डिटेल आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपकी जो भी दी गई डिटेल है वो सारी यहाँ पर शो हो जाएगी, सारी डिटेल शो हो रही है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर 16 नंबर से प्रेफरेंस देना है एग्जामिनेशन सेंटर का, ठीक है। जो भी आपका सेंटर है वो आपको यहाँ पर चूज़ करना है, 3 एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वो आपको चूज़ करने हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक सर्विस मैन के लिए, अगर हैं तो यस करेंगे और फिर अपनी डिटेल देंगे, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है 17 नंबर ऑप्शन में, हैव यू ऑलरेडी ज्वाइन अ सिविल पोस्ट बाई अवेलिंग जो बेनिफिट है ऑफ रिजर्वेशन है एक सर्विस मैन में, ESM जिसको बोलते हैं, अगर उसमें है तो आप यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर चूज करेंगे, ठीक है। नीचे आते हैं, डिटेल आपको देनी होगी। चलिए नीचे ऑप्शन आपको क्या क्या भरने हैं वो आप समझ लीजिए। यहाँ पे ये यहाँ पर दिया गया है स्क्राइब इज रिक्वायर्ड, अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये सब सारे ऑप्शन जो हैं ये आपको फिलअप नहीं करने हैं, ठीक है। ये सारे कोई ऑप्शन फिलअप नहीं करने, यहाँ पर आपको ये सब नहीं फिलअप करना है, आपको यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस देना है। तो पोस्ट प्रेफरेंस के लिए आपको यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है, ये डिटेल है, डिटेल आपको यहाँ से ओपन करनी है। पोस्टें आपकी सारी ओपन हो जाएंगी, ओपन जैसे ही हो जाती हैं ये सारी आपकी पोस्टें हैं, ठीक है। मतलब आप कहाँ से किस जोन से अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर दिया गया नेम ऑफ स्टेट, ठीक है, और यहाँ पर स्टेट कोड दिए गए हैं, सारे आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे सभी लोग, क्लोज करते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है आपका यहाँ से पूछ रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ से चूज कर लेनी है। फिर इसके बाद में अगर आप EWS में आते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन यस करना है और फिर उसकी डिटेल देनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अपना एड्रेस आपको फिलअप करना है, एड्रेस फिलअप करेंगे, एड्रेस फिलअप करने के बाद में आपकी फ़ोटो यहाँ पर मेंशन होगी जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त फिलअप की होगी और रजिस्ट्रेशन टाइम पे आपने फ़ोटो अपलोड की होगी, ठीक है, सिग्नेचर अपलोड किए होंगे। और यहाँ पर आपको क्या करना है, एग्री करना है, एग्री करने के बाद में आप अपना यहाँ पर कैप्चा डालेंगे, कैप्चा जैसे ही डालते हैं देन आपका यहाँ पर प्रीव्यू शो होगा, प्रीव्यू आप शो करें जो भी प्रीव्यू है वो आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट आपका सबमिट होगा, चलिए देखते हैं कैसे आपको करना है। तो दोस्तों जब आपने फॉर्म अपना अप्लाई कर दिया है, यानी जब आप अप्लाई कर चुके होंगे तो अप्लाई के ऑप्शन में जैसे ही आप क्लिक करते हैं देन आपके पास एक ही मैसेज आ जाएगा, बोलेगा यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर दिस एग्जामिनेशन, ठीक है, यानी आप अपना फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं मल्टीटास्किंग पोस्ट के लिए। फिर आपको क्या करना है, अगर पेमेंट का ऑप्शन आपको ऑफलाइन रखना है तो आप यहां से अपना चालान डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन पेमेंट यहां से पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाके कर सकते हैं। देखिए पेमेंट कैसे करना है आपको, पेमेंट के लिए ये ऑप्शन आ जाएगा और 100 रुपये आपको पेमेंट करनी है जनरल और OBC वाले कैंडिडेट को। तो यहाँ पर देखिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दो ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, थीके? तो आपको ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर सबमिट करना है, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो यहाँ पर ये बोल रहा है ये, ठीक है, एक ऑप्शन आ जाएगा, इस तरह का इंटरफेस आपका दिखाई देगा और इस तरह के इंटरफेस में नेट बैंकिंग है। नेट बैंकिंग के बाद में आप यहाँ देख रहे हैं कार्ड पेमेंट है, कार्ड पेमेंट आपके पास अगर SBI का है तो SBI से करेंगे, अदर बैंक का है तो अदर बैंक से करेंगे, ठीक है। और क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन है और UPI भी आप यहाँ से कर सकते हैं, चार्जेस उनके लिखे हुए हैं लेकिन UPI में केवल आपका 1 रुपये चार्ज लग रहा है, बाकी किसी में चार्जेस नहीं लग रहे हैं, ठीक है। तो आप चलिए देखते हैं यहाँ से आपको क्या करना है, आगे प्रोसेस क्या है। मैंने यहाँ पर कार्ड पेमेंट वाले ऑप्शन पे चूज़ किया है और कार्ड पेमेंट वाले ऑप्शन में यहाँ पर अदर बैंक डेबिट कार्ड्स में क्लिक करते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपका बोल रहा है अमाउंट और यहाँ पर 100 रुपी कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म करने के बाद में एक बार आपसे और कन्फर्म करेगा, कन्फर्म करने के बाद में जैसे ही आपका ये इंटरफेस ओपन होता है पेमेंट वाला, यहाँ से आप क्या करेंगे अपना
जो कार्ड नंबर है वो डालेंगे, और यहाँ पर एक्सपायरी डेट डालनी है, और यहाँ पर जो कार्ड होल्डर नेम है जिसके नाम पे कार्ड है अकाउंट है वो डालना है, और CVV नंबर डालना है 3 डिजिट का, और यहाँ पर टाइप ऑफ कैरेक्टर्स पे करना है, आपकी फ़ीस पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से आपका फुल्ली जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद में आप अपना एक एप्लीकेशन प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। अगर अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमसे जुड़ जाएं। धन्यवाद।